हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ क्लास नंबर 4 ऑफ ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी की क्लास नंबर 4 में आज हम बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक ओशियन पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने आपको सबमरीन कैनियन के बारे में पढ़ाया था, सबमरीन कैनियन से रिलेटेड जो भी थ्योरीज थी उनके बारे में बताया, एंड यह भी बताया कि सबमरीन कैनियन होता क्या है। ठीक है, विस्तार से बताने के बाद ये हमारा क्लास नंबर 4 है। आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ेंगे बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो बॉटम रिलीफ पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंट्रोडक्शन है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर पैसिफिक ओशियन की बात की जाए तो वो लार्जेस्ट ओशियन है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ये 1/3 एरिया कवर करता है ग्लोब का, नियरली 33% एरिया जो हमारी ग्लोब है, पृथ्वी है, उसका 33% भाग तो क्या है, पैसिफिक ओशियन के अंदर ही आ जाता है। इसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पर है, अगर नॉर्थ की तरफ देखें तो बैरिंग स्ट्रेट है। बैरिंग स्ट्रेट की बात की जाए तो ये चुकची पेनिनसुला को अलग करती है अलास्का से। किसको? चुकची पेनिनसुला। ठीक है, जो कहाँ पर है, जो आ जाता है किसमें, एशिया वाले पार्ट में। चुकची पेनिनसुला को कहाँ से अलग करता है, ये अलास्का से, जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है अलास्का, उससे अलग करती है बैरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो नॉर्थ में इसके बैरिंग स्ट्रेट है पैसिफिक ओशियन के, साउथ में कैप एडरे है जो कि अंटार्कटिका के पास है, अंटार्कटिका के ऊपर है कैप एडरे। तो ये क्या है, जो साउथ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन भी डिवाइडेड है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन में। तो ये पार्ट आ जाता है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में, साउथ पैसिफिक ओशियन में। और पैसिफिक ओशियन का जो वेस्ट पार्ट है वो आ जाता है ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया, एंड ईस्ट जो पार्ट है पैसिफिक ओशियन का वो आ जाता है वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। अब कंफ्यूज मत होना, देखिए ये हमारी ग्लोब है, अब यहाँ पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पर क्या है, साउथ अमेरिका है। समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। और ये क्या है, यहाँ पर एशिया है, यूरोप है, एशिया है फिर। ठीक है, ये पार्ट है, तो जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो ये गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है। तो ये जो पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये एक ही है। ठीक है, आप इसको 3D में देखना, 2D पर्पस से मत देखना, 3D में जो ये पार्ट है, ये यही वाला लाइन है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन सेम है। तो पैसिफिक ओशियन का अगर इसको हम एक्सटेंड ऐसे करें तो पैसिफिक ओशियन खुल के आएगा, ये वाला पार्ट इधर है और ये वाला पार्ट इधर है। तो पैसिफिक ओशियन का ये वेस्ट पार्ट हो जाएगा एशिया वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, ईस्ट पार्ट हो जाएगा। इस तरह से देखना, ठीक है, 3D में सोच के चलना, 2D में देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको वेस्ट पार्ट ये लगेगा, ईस्ट पार्ट ये लगेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। जो ईस्ट कोस्ट है एशिया का वो वेस्ट पार्ट है पैसिफिक का, और जो वेस्ट कोस्ट है किसका, अमेरिका का, वो ईस्ट पार्ट है ये किसका, पैसिफिक ओशियन का। लेंथ 1600 किलोमीटर है इसकी, जो ईस्ट टू वेस्ट है, और जो नॉर्थ से साउथ है 14,880 किलोमीटर है। कुछ और फैक्ट देखते हैं। एवरेज डेप्थ है पैसिफिक ओशियन की 4,572, और जो मैरियाना ट्रेंच है वो डीपेस्ट पॉइंट इसी में है, मैरियाना ट्रेंच की हमने डेप्थ बताई थी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताना है कि कितनी इसकी डेप्थ है। बोथ द कोस्ट, ईस्ट और वेस्ट जो कोस्ट है पैसिफिक ओशियन के, वो पैरालाइज हैं, पैरेलल हैं किधर, दोनों तरफ इसके फोल्ड माउंटेन हैं। अगर देखें ईस्ट की तरफ तो रॉकीज़ है, रॉकीज़, और नीचे की तरफ देखें तो एंडीज़ है, एंडीज़। तो ये फोल्ड माउंटेन से पूरी चैन लगी हुई है। ठीक है, मोर और लेस यूनिफॉर्म ब्रॉड एंड एक्सटेंसिव ओशियन फ्लोर इज करेक्टराइज बाय सेवरल स्वेल्स, राइजेज, सी माउंट्स, डिप्रेशन बने हुए हैं, ट्रेंचेज हैं, डीप्स हैं। ठीक है, ये अभी हम डिटेल में आपको कराएंगे। द ओशियन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड, पैसिफिक ओशियन में 2000 से ज़्यादा आइलैंड पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाते हैं।
यहाँ पर हम आपको बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक ओशियन बताते हैं। पहले चलते हैं हम नॉर्थ की तरफ से। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है ये, और ये कौन सा पार्ट है, ये एशिया वाला पार्ट है। तो ध्यान से देखना, मैप के साथ साथ ही चलना यहाँ पर, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पर देखें तो ये एलुसियन बेसिन है, एलुसियन बेसिन है। एलुसियन बेसिन से अगर नीचे चलेंगे ये जुआन डी फुकारिज है, जुआन डी फुकारिज। यहाँ पर पहले एलुसियन बेसिन, फिर जुआन डी फुकारिज। पहले हम अमेरिका के पैरेलल ही चलते हैं, देन नीचे की तरफ आएंगे ग्वाटेमाला बेसिन है, ग्वाटेमाला बेसिन है ये, यहाँ पर ग्वाटेमाला बेसिन है। देन नीचे चलेंगे पनामा बेसिन है, ग्वाटेमाला बेसिन के नीचे ये पनामा बेसिन है। देन इसके नीचे चलेंगे फिर पेरू बेसिन है, पेरू बेसिन, और नीचे चलेंगे तो चिले बेसिन है। तो यहाँ पर आपसे इस तरह से भी सवाल आ जाता है, नॉर्थ से साउथ लगाने को आपको क्रम पूछ लिया जाएगा। तो ग्वाटेमाला बेसिन, देन इसके बाद पनामा बेसिन, इसके बाद देखें तो पेरू बेसिन, और नीचे देखें तो चिले बेसिन। चारों बेसिन आपको क्रम वाइज पूछ लिए जाएंगे, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। तो ध्यान रखना ग्वाटेमाला, पनामा, पेरू और चिले। देन इधर चले इसके गैलापागोस राइज है, यहाँ पर गैलापागोस राइज है, और ये साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन है, साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन। जैसा कि हमने बताया था चार पार्ट में है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो यहाँ पर ये साउथ ईस्ट बेसिन हो गया। अब इसके इधर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर कामचटका बेसिन है। अगर इधर चलेंगे एलुसियन बेसिन से तो कामचटका बेसिन है, देन क्विरिल ट्रेंच है, क्विरिल ट्रेंच है, फिर हैसराइज है, यहाँ पर हैसराइज बना हुआ है, हवाईन रिज है, ठीक है, कूपर रिज है, यहाँ पर कूपर रिज है, वेस्ट पैसिफिक बेसिन है, वेस्ट पैसिफिक बेसिन है, जापान ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि जो मैरियाना ट्रेंच है कहाँ लाई करती है, तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछ लिए जाएंगे कि जो मैरियाना ट्रेंच है वो इक्वेटर से ऊपर है या नीचे है, तो ये इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है। फिलिपिन बेसिन है, फिलिपिन ट्रेंच है। देन इसके नीचे चलेंगे नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन है, यहाँ पर नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन है, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन है, साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन के नीचे साउथ तस्मान राइज है, ये साउथ तस्मान राइज है। और यहाँ पर इसके नीचे चलेंगे तो मैकुरी रिज है, ये कौन सी रिज है, मैकुरी रिज। और इसके साइड में चलेंगे तस्मान बेसिन है, ये क्या है, तस्मान बेसिन है, और ये साउथ तस्मान राइज है। कैंपवेल प्लेट्यू है यहाँ पर, और ये लॉर्ड होवे रिज राइज है। देखिए इस डायग्राम को अगर आप डिटेल में देख लोगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे जब पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये डायग्राम को आप ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाएंगी। तो एक डायग्राम की हेल्प से कम अगर इससे ही 5 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस, जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो यहाँ पर पैसिफिक अंटार्कटिक रीज है, साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन है। देन यहाँ पर अगर देखें तो कार्माडैक रीज है, ये कार्माडैक रीज है, टोंगा राइज है और टोंगा ट्रेंच है। इससे ऊपर देखें नेकर रीज है, हवाइन रीज, कोपर रीज, ये ईस्ट पैसिफिक राइज है। तो ये कौन सी, ईस्ट पैसिफिक राइज है। तो ये था किसके बारे में, पैसिफिक ओशियन के जो बॉटम रिलीफ है। एक बार स्पीड से रिवाइज करा देते हैं, ये एलुसियन बेसिन है, जुआन डी फुकारिज है, ग्वाटेमाला बेसिन, पनामा बेसिन, पेरू बेसिन, नीचे देखे तो चिले बेसिन, गैलापागोस राइज है, देन साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन है, यहाँ पर ईस्ट पैसिफिक राइज है, पैसिफिक अंटार्कटिक रीज है, साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन है, ये कार्माडैक रीज है, कैंपवेल प्लेट्यू है, तस्मान बेसिन है, साउथ तस्मान राइज है, मैकुरी रीज है। देन ऊपर चलते हैं लॉर्ड होवे राइज है, देन नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन है, फिलिपिन ट्रेंच, फिलिपिन बेसिन, मैरियाना ट्रेंच, सेंट्रल पैसिफिक बेसिन, टोंगा राइज, टोंगा रिज है, टोंगा ट्रेंच है, नेकर रिज है, देन जापान ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच, वेस्ट पैसिफिक बेसिन, हैसराइज, हवाइन रिज, कूपर रिज। तो ये था किसके बारे में, और देन क्यूरिल ट्रेंच, कमचटका बेसिन, एलुसियन बेसिन है। ये बॉटम रिलीफ था किसका, पैसिफिक ओशियन का।
अब यहाँ पर हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पैसिफिक ओशियन के जो आइलैंड्स हैं इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल आइलैंड भी पाए जाते हैं, आइलैंड आर्क एंड फेस्टियूंस भी पाए जाते हैं, एंड स्कैटर्ड स्मॉलर आइलैंड पाए जाते हैं। आइलैंड आर्क या फेस्टियूंस होते हैं जो वोल्केनो इरप्शन की वजह से फिर यहाँ पर बनते हैं, एक तरह से आर्क का रूप ले लेते हैं। ठीक है, किसका रूप ले लेते हैं? आर्क का रूप ले लेते हैं। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड में देखें तो एलुसियन आइलैंड, जो कि हमने बताया कहाँ पर, ऊपर की साइड में दिखाया था, आइलैंड ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ऑफ कनाडा। ठीक है, यहाँ पर कनाडा के पास में ये आइलैंड देखने को मिलेंगे, और चिलियन आइलैंड जो चिली कंट्री के पास में, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है चिले, उसके पास में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें आइलैंड आर्क और फेस्टियूंस की, तो इनमें आते हैं क्यूरिल आइलैंड। क्यूरिल हमने कहाँ बताया था, ये ध्यान रखना है, जापानीज आर्किपेलागो, फिलिपिन आइलैंड, इंडोनेशियन आइलैंड, तो ये आप ध्यान रखना इनकी लोकेशन। स्कैटर्ड स्मॉलर आइलैंड में दो तरह से डिवाइड किया जाता है आइलैंड, बेस्ड ऑन रेशियल ग्रुपिंग। ठीक है, यहाँ पर नस्ल के बेस पर इनको तीन ग्रुप में बांटा गया है, एंड आइलैंड फॉर्म्ड ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल एंड कोरल रीफ, तो इस बेस पर भी डिवाइड किया गया है कोरल रीफ और वॉल्केनिक मटेरियल के बेस्ड पर। तो रेशियल ग्रुपिंग के बेस पर मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पोलिनेशिया तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेलानेशिया में सोलोमनोज, फिजी एंड हेब्रिज तीन पार्ट में डिवाइड है। माइक्रोनेशिया में मार्शल आइलैंड, कैरोलिन आइलैंड, गिलबर्ट आइलैंड, एलाइस आइलैंड, एंड बात करें पोलिनेशिया की, कुक आइलैंड, सोसाइटी आइलैंड एंड ट्यूमोटो आइलैंड। वॉल्केनिक मटेरियल एंड कोरल रीफ के बेस पर देखें तो हवाई आइलैंड, फिजी आइलैंड, फोना फुटी आइलैंड एंड एलाइस एटीसी, ये कौन से हैं? ये कोरल आइलैंड है। तो ये कुछ आइलैंड थे, याद रखने, पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम बॉटम टोपोग्राफी जो हमने पढ़ाई थी उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ की बात करें, पैसिफिक ओशियन की कॉन्टिनेंटल सेल्फ की, तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एक्सटेंट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पैसिफिक। अगर बात करें वेस्टर्न कोस्ट की, पैसिफिक ओशियन की और ईस्टर्न कोस्ट की, तो जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या क्या डिफरेंस है? ब्रॉड एंड एक्सटेंसिव अलोंग ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ कैसी है? चौड़ी है, एक्सटेंसिव है, बड़ी है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर, ये ब्रॉड देखने को मिल जाती है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ आर लेस एक्सटेंसिव अलोंग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। तो इधर क्या है? लेस एक्सटेंसिव है। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? हमने बताया था जब फोल्डेड माउंटेन होते हैं तो वहां पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ कैसी है? नैरो पाई जाती है, लेस एक्सटेंसिव पाई जाती है। और अमेरिका के तट पर अगर देखें तो एक ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज देखने को मिलता है और साउथ अमेरिका में एंडीज देखने को मिलता है। तो ये था कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ पैसिफिक ओशियन। अब यहाँ पर रिज और राइजेस देखते हैं, तो यहाँ पर सेवरल स्केटर्ड रिज देखने को मिलेंगी। ईस्ट पैसिफिक राइज और रिज नॉन एज एल्बेट्रोज प्लेट्यू, एल्बेट्रोज प्लेट्यू जो कि 1600 किलोमीटर वाइड है और ये एक्सटेंड कर रहा है नॉर्थ न्यूजीलैंड से कैलिफोर्निया कोस्ट तक। ठीक है, एल्बेट्रोज प्लेट्यू हमने बताया है, एल्बेट्रोज प्लेट्यू की विथ बताइए 1600 किलोमीटर एक्सटेंड कर रहा है न्यूजीलैंड से कैलिफोर्निया के कोस्ट तक। इट्स एंड ऑफ टू ब्रांचेस, इसकी दो ब्रांचेस है, 23 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ तक। द ईस्टर्न ब्रांच मर्ज विद चिलियन कोस्ट, जो ईस्टर्न ब्रांच है वो मर्ज कर जाती है चिले कोस्ट से, और जो अदर ब्रांच है वो मूव कर जाती है साउथवर्ड, किसके नाम से? ईस्ट आइलैंड राइज के नाम से। एक माइनर रिज है जिसको गैलापागोस रिज बोला जाता है, गैलापागोस रिज हमने कहाँ बताई थी। ठीक है, ये पैरेलल है ईस्ट पैसिफिक रिज के, इन द ईस्ट बिटवीन द ईस्टर्न आइलैंड फ्रैक्चर जोन एंड गैलापागोस आइलैंड। यहाँ पर भी दो ब्रांचेस की, कार्नेजिक रिज और कोकोस रिज। न्यूजीलैंड रिज वाइडेंस नियर फिजी आइलैंड टू फिजी प्लेट्यू, जो न्यूजीलैंड रिज है वो कहाँ से चौड़ी हो जाती है? फिजी आइलैंड से फिजी प्लेट्यू तक। और हवाइयन राइज है
वो 35 डिग्री नॉर्थ से 17 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाई जाती है। मोस्ट एक्सटेंसिव रिज है पैसिफिक ओशियन की। कुछ और माइनर रिजिज हैं, इनके नाम याद रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। नजका रिज, लॉर्ड होवे रिज, नॉर्क फोक आइलैंड रिज, यूरोपिक न्यू गिनिया रिज एंड कैरोलिना सोलोमन रिज। फ्यू फ्रैक्चर जोन्स रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कुछ फ्रैक्चर जोन्स हैं जैसे मैंडिकिनो फ्रैक्चर जोन, मुर्रे फ्रैक्चर जोन, क्लेरियन फ्रैक्चर जोन, क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन, ईस्टर्न आइलैंड फ्रैक्चर जोन, चैलेंजर फ्रैक्चर जोन। अगर ओशियन बेसिन की बात करें तो हमने डायग्राम में दिखाए थे फिलीपीन बेसिन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन, पेरू बेसिन, पैसिफिक अंटार्कटिक बेसिन, फिजी बेसिन, साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन। ओशियन डीप्स की बात करें तो सेवरल ट्रेंचेज और डीप्स देखने को मिलती हैं पैसिफिक ओशियन में, जिसमें सिग्निफिकेंट ट्रेंच है। सबसे बड़ी ट्रेंच कौन सी है, जो गहरी है, मैरियाना ट्रेंच है, क्यूरिल ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, पेरू चिले ट्रेंच है, मिडिल अमेरिकन ट्रेंच है, बोनिन ट्रेंच है एंड इसके बाद सोलोमन ट्रेंच है और न्यू हैब्रिज है। इसके अलावा फिर टोंगा ट्रेंच है, फिलिपिन ट्रेंच है, कार्माडेक ट्रेंच है, एलुसियन ट्रेंच है एंड रियुकू ट्रेंच है, या पलाऊ ट्रेंच है एंड न्यू ब्रिटेन ट्रेंच है। तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको डायग्राम दिखाया था, वहाँ पर भी ये देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने किसके बारे में पढ़ा है, जो ओशियन बॉटम टोपोग्राफी है पैसिफिक ओशियन की, इसके बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ पर आइलैंड्स के बारे में जाना, बेसिक फैक्ट्स के, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कैसी है पैसिफिक ओशियन की एंड यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया था। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अटलांटिक ओशियन के टोपोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट में हम अटलांटिक कराएंगे, उससे नेक्स्ट में फिर इंडियन ओशियन के टोपोग्राफी कराएंगे और यहाँ पर हमारा यूनिट 1 कवर हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।